ये तो भूल भुलैया जैसा लग रहा है। धोबी गेट के अंदर ये छोटी छोटी गलियां। सर आप कैमरा अलाउ नहीं है। ले हमें तो ऐसा कोई बताया नहीं गया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप कहाँ से हैं? आप कौन है? मिनिमम 5,500 ने तो 5,000 का क्या हाल है? बढ़िया एकदम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सो फाइनली मुंबई सीरीज की जो बात हम इतने दिनों से कर रहे थे, आज उसका पहला एपिसोड हम शूट करने जा रहे हैं। मुंबई सीरीज का जो नाम है वो है 7 दिन अपने मुंबई में। 7 दिन अपने मुंबई के बुक का पहला चैप्टर लिखने जा रहे हैं हम। सुनहरे अक्षरों से लिखने जा रहे हैं। ला सोना ले गया। और ये व्लॉग में पता है एक नया कैरेक्टर है, पांडे। पांडे कौन सा पांडे? सबसे पहले तो हमें निकालना है प्रिंट आउट, जो भी हमने कंटेंट की प्लानिंग की थी वो सब हमने कागज में लिख लिया है। उस कागज को अपने पास रखना है, फुल प्रोफेशनल, 100% प्रोफेशनल। ये जो सीरीज है इसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने शॉर्ट कंटेंट पे, तो व्लॉग तो जैसे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे, बट जो शॉर्ट आ रहे हैं वो होंगे किलर। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आके देखना पड़ेगा या यूट्यूब शॉर्ट पे भी आपको देखने मिल जाएगा। बाकी शफीक प्रिंटर चालू कर दिया है, बस प्रिंटर का कमांड देना है। प्रिंटर का कमांड देंगे हम मोबाइल से ही। वो अग्नि जिंदगी ऑन। बटन तो चालू कर ले। भाई से तेल का ऑमलेट बना दिया। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तेल का प्रिंटर है अपना ये। तो नहीं चल रहा है? हाँ। वायर लगा है नहीं? लगा ना कोई भी निकाल के। हाँ लाइट जल रही है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। हो जा सेट पहले, जाग जा, अंगड़ाई ले ले, हड्डियाँ फोड़ ले। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, हमें अभी ये समझना है शफीक कि हम होटल में हैं, ये हमारा होटल है, हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। मतलब जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते थे तो कैसा है कि होटल में आगे रहते थे, फिर उसके बाद में हम लोग घूमने जाते थे, फिर वापस होटल आते थे। तो ये वही सेम समझना है, अपने ही शहर में हमें ये फील करना है कि हम इस शहर के है ही नहीं, तभी हम इस शहर को अच्छे से। 7 दिन अपने मुंबई के बुक में पहला चैप्टर का पहला पन्ना जो है वो लिखा जाएगा धोबी घाट से। धुलाई करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं इतने सालों से मुंबई में हूं, लेकिन कभी भी मैं धोबी घाट के अंदर नहीं गया। मैं सिर्फ ऊपर से ही देखा, महालक्ष्मी ब्रिज के ऊपर से देख लेते हैं, हाँ धोबी घाट है, हाँ चलो ठीक है, लेकिन कभी अंदर घुसे नहीं। मैं तो वहाँ काम करता था तो भी नहीं गया। ठीक है, ये और ये हमारा प्रिंट आउट निकल गया, थोड़ा इसको गो थ्रू करेंगे फिर निकलेंगे। जो शॉट कंप्लीट हो जाए उसको टिक मार्क करते रहेंगे। तेरा वो काम है, वो पन्ना तुझे देखना है, ये पन्ना मुझे देखना है। स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट नहीं है, बस पॉइंटर्स हैं। फिल्म मेकिंग में एक रूल होता है, शूट टू एडिट। तुम शूट करो ताकि वो उस तरीके से एडिट हो। ये हम वो चीज कर रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं एडिट करने के लिए। पहले ऐसा था कि हम लोग शूट करके आते थे फिर उसके बाद में एडिट पे बैठते थे। पहले हमने अपने दिमाग में एडिटिंग कर ली, अब जा रहे शूट करने। अभी फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन उसके लिए ना जॉब चाहिए, पैसा नहीं है। तो आप लोग की उधर ओपनिंग है? हम लोग खुद देख रहे हैं। कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है मेरे को 3 साल का। अच्छा, एकदम बता के। ठीक है, ओके थैंक यू। इसका तो एक लाइंस क्या था यार, हम लोग खुद देख रहे। चलो चलो चलो, टाइम हो रहा है। ओ बॉय, क्या धूप है, क्या कड़कती धूप है। और इस धूप से बचने के लिए हमने अपने साथ छाता भी कैरी किया है, चेहरे पे सनस्क्रीन भी थोप थोप के लगाया है, और हाथों को बचाने के लिए फुल स्लीव्स। तो पहले हमने सोचा था कि जाते हैं ट्रेन से, अगर ट्रेन से धोबीगढ़ आपको जाना है तो पहुंचना पड़ेगा महालक्ष्मी स्टेशन, और महालक्ष्मी स्टेशन के बाजू में ही है, और मेरे ख्याल से ना स्टेशन के अंदर से रास्ता है धोबीगढ़ जाने का। और ये आ गए हम दादर भाजी मार्केट। पहले रास्ते में बहुत लोग भाजी बेचते थे, अभी धीरे 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 वो कम होते जा रहा है। ये दादर ब्रिज, दादर स्टेशन। दादर स्टेशन आए हुए भी काफी वक्त हो चुका है, सबसे खतरनाक स्टेशन हुआ करता था ये हमारे टाइम पे, अभी पता नहीं बहुत भीड़ होती थी यहाँ पर। और इसके नीचे ये फुल मार्केट, फुल मार्केट के ऊपर भी एक व्लॉग बनाया जा सकता है यार। लेफ्ट टर्न लेने से पहले जरा देख लिया कीजिए, ये है फुल मार्केट, फूल ही फूल है यहाँ पर।
एक तो तुम फोन पे बात कर रहे हो, एक दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले एक दो महीने में जो भी मैंने कंटेंट बनाया है ना, वो कंटेंट को मैं हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं करूंगा। जो डेली व्लॉग्स चल रहा है वो हम अपने ट्रैवल वीडियो में भी बताते रहते हैं, बट प्लान है अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने का। बट क्या है कि सडन वो चीज नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे ही होगी। ये जो मुंबई सीरीज का इनिशिएटिव मैंने लिया है ये इसीलिए ताकि कंटेंट बनाने में मजा आए, क्योंकि मुझे भी हर दिन घर की लाइफ शेयर करने में मजा नहीं आता है। लेकिन जब प्लानिंग करनी होती है, कहीं पे ट्रिप करना होता है या बाकी सारी चीजें देखनी होती है, उसके लिए ना एक जगह पे स्टेबल रहना जरूरी है। अपने हिसाब से पूरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं, धीरे 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 कॉन्टेंट का लेवल अपग्रेड हो, क्योंकि एक जैसा कॉन्टेंट या एक जैसी लाइफ तो मैं कभी नहीं जीना चाहूंगा। वाह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। ये आ गए हम महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन, चलना आगे। और इसके लेफ्ट साइड में ही है धोबी घाट, और मेरे ख्याल से यही है वो व्यूइंग डेक जहाँ से धोबी घाट दिखता है। यस, ये है व्यूइंग डेक। बहुत ही अमेजिंग कहानी है धोबी घाट की, सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा। आप कहोगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। पहुंच गए धोबी घाट में और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने का रास्ता देखेंगे। एक तो जगह है जहाँ स्टेशन की तरफ से धोबी गढ़ के अंदर ये छोटी छोटी गलियां, ये एक गली यहाँ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं। कैमरा बंद। हाँ बोलिए। किसके साथ ले रहे? हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं शूट करने। मतलब ऐसे ही हम YouTube पे वीडियो बनाने के लिए। यूट्यूबर हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? MSK। सर आप कैमरा अलाउड नहीं है? हमें तो ऐसा कोई बताया नहीं गया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप कहाँ से? आप कौन है? मैं यहीं हूँ। आप संस्था से हैं यहाँ के? हाँ, ये रहा सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी में परमिशन लेना पड़ता है। तो मोबाइल से भी? नहीं, मोबाइल से वीडियो निकाले ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर कैसा मालूम है कि अगर कैमरा वगैरह लेके आप शूट करते हो ना, हाँ, तो सोसाइटी में परमिशन है। अच्छा, परमिशन मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बात करना पड़ता है, वहाँ पे बात करोगे तो बात खुल करेंगे। आप बात करा सकते हैं? घाट के अंदर भी शूट नहीं कर सकते ऐसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं, शूट करने के लिए ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ भाई, पर कैमरा लेके आप शूट करोगे ना तो सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो करना आप करो। ठीक है ना, बात करते हैं। आप बताओ ना कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये आ गए हम कहीं तो ऊपर जहाँ पर सारे कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं धोबी घाट, पूरा तो नहीं है ये, काफी बड़ा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारे जीन्स सूख रहे हैं। शफीक मेरे भाई, क्या बोलता है? बढ़िया, यहाँ पे पूरा कपड़ा कपड़ा दिख रहा है। हाँ, झूला झूला। इस तरफ देखेंगे तो बहुत सारे कपड़े, लेकिन इस तरफ नहीं है, तो वो हमारे भाई बता रहे थे। क्या बता रहे थे? आज मंडे है, जो भी कपड़े थे संडे के सब चले गए। हाँ, अभी मंडे में ज्यादा कपड़ा नहीं होते। हाँ, बाकी टाइम पे जब आओगे ना तो और पूरा भरा भरा दिखेगा, ये जितने भी लेन ये खाली दिख रही ना। हाँ, 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 सब लाइन से लगे रहेंगे यहाँ पर ना। जब हम अपना रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला था कि 7,000 धोबी डेली यहाँ काम करते हैं 18 से 20 घंटे रोज। और कितने कपड़े धोते पता है एक दिन में? गेस करो, एक दिन में कितने कपड़े धोते हैं बता के, एक दिन में कितने कपड़े धोते होंगे? मे भी 7 लाख से ज्यादा। 7 लाख? 7 लाख ज्यादा ही है यार, ये कैसा इंसान है तू बता। 1 लाख रहेगा? 1 लाख हर दिन यहाँ पर 1 लाख कपड़े धुलते हैं, सोचो। और यहाँ पर जो कपड़े है ना वो अलग अलग, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जो आसपास के एरिया है वहीं से कपड़े आते हैं। नहीं भैया, कोलाबा से लेकर विरार तक हर जगह से यहाँ पर कपड़े आते हैं। यहाँ पर भी ऊपर छत में कपड़े सूख रहे हैं, उनके छत में भी कपड़े सूख रहे हैं। ये जो धोबी घाट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट लाया था अंग्रेजों ने, वो लोगों ने लाया था क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे उनके कपड़े धोने थे, और जहाँ जहाँ पर भी उनकी कॉलोनी थी ना वहाँ वहाँ पर भी है। तो ना एक जगह है सिंगापुर में धोबी घाट के नाम से, क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी थे। पहले लोग यहाँ पर हाथ से कपड़ा धोते थे, लेकिन अभी क्या है कि लोग हाथ का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ना एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक प्लेस पे ओपन लॉन्ड्री में एक साथ में 496 लोगों ने कपड़े धोए थे, ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर हाथ से लोग कपड़े धोते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। सिर्फ वहाँ पर एक धो रहे हैं, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, वहाँ पर एक धो रहे हैं। आगे थोड़ा आपको और दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम बहुत सही बनाया गया है खड़े होकर धोने वाला। ये जैसे कपड़े धो रहे हैं, उसके बाजू में घर है जहाँ पर लोग रहते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन ये आगे पास ऑन होते जाता है, तो आपके पिताजी भी यही करते थे? पिताजी के पिताजी भी यही करते थे। अभी आपके बेटे वो भी यही करेंगे कि तब धोबी घाट थोड़ा अलग दिखता होगा? यहाँ पर थोड़ा पतरा जो है वो कमज़ोर है। ओए बाबा, गिर ना जाओ नीचे में। सबके छतों पर ऐसे कपड़े सूखते हैं, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हाउ आर ड्यू
गोरिल्ला क्या बोलते इसको, गोरिल्ला शूट, गोरिल्ला शूटिंग नहीं भाई, गोरिल्ला शूटिंग चुप चुप के होती है। हाँ ये तो अपन थोड़ा, हम तो देख के कर रहे हैं और ऐसी कड़क गर्मी में हम शूट कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है भाई, कपड़े गर्म होते हैं क्या? नहीं, पानी गर्म होता है, पानी बॉयल। अच्छा, उसमें यहाँ साड़ी डुबा देते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज देख रहे हो ना, लोग इसके लिए आते हैं दूर दूर से। ये जो चीज है ना, जो रोशनी आ रही है और ये खूबसूरत सा दृश्य दिख रहा है, ये काफी फेमस है यहाँ पर। मैंने जो वीडियो देखा था उसमें लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आके तुम ज्यादा टाइम तक खड़े भी नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत धुआं होता है, खांसी ऐसी होती है। ये हमारे DOP, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये है एडी एडा, असिस्टेंट डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले डायरेक्टर एंड द एक्टर मोहम्मद सलीम खान। हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, उम्मीद है कि रील जो है वो बढ़िया निकले। लेकिन ऐसा है कि अभी ना पूरा का पूरा जो है हम गीले हो चुके हैं, तो सोच रहा हूँ कि चेंज कर लूँ इसको। ऑलराइट, तो चेंज कर लिया, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो वो पसीने से पूरा शर्ट पसीने से भर चुका है, पूरा शर्ट बहुत इरिटेट कर रहा था, मुझे पता था पसीना होगा इसलिए एक टी शर्ट साथ में लेके आया। अभी हम जा रहे हैं वीविंग डेक के पास। बिल्लियाँ बहुत थी, तुमने देखा क्या? बिल्लियाँ, हाँ ये वीविंग डेक। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा, पहले ये ऐसा नहीं था। पहले ना यहाँ पर लोग हाथ से कपड़े धोते थे और यहीं से हम लोग ना देख लेते थे कि लोग कपड़े धो रहे हैं। वो पूरा का पूरा जो पहले का विंटेज था वो अब थोड़ा मिस है यहाँ पर, बट ठीक है, लाइफ के साथ सब अपग्रेड करते हैं, तो इन्होंने भी अपग्रेड किया है। अभी जो सिंगापुर में इनका धोबी घाट होगा वहाँ पर तो ये सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पर तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी रहेंगी। यहाँ पर पता भी नहीं वहाँ पर वो धोबी घाट मतलब अभी है कि भी नहीं, लेकिन वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर नाम धोबी घाट है और उन लोग धोबी घाट घाउट लिखते हैं, ऐसा कुछ तो लिखते हैं लोग। ये सर्किट सर्किट वाला जो जगह है वो बिल्डिंग ही टूट गई। आ गया वही, वही आ गया, पुअर पीपल हंग्री पीपल वाला बंदा। पुअर पीपल हंग्री पीपल, हंग्री पीपल, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। सिर्फ कपड़े धोकर इनके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का धंधा है ये, लेकिन देख के लगता नहीं है। और यहाँ पर फिरंग आ चुके हैं, यहाँ बहुत फिरंग आते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे थे, अंदर भी बहुत हमें फिरंग दिख रहे थे, तो दिस प्लेस इज वेरी फेमस। अभी आप घूमने गए थे अंदर? जी जी, घूमने। हमारे सब्सक्राइबर है पाकिस्तान से, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर, मजा आया, जबरदस्त है, मजा आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा मेगा लॉन्ड्री है ये, गिनीज बुक का नाम भी। आपसे किसी ने पैसे लिए? अरे नहीं सर, हमें बल्कि लोगों ने, वो जो भाई साहब थे उन्होंने कहा यार खाने का टाइम है, अब हमारे साथ बैठ के खाना खाए, उल्टा ये हुआ है। तो क्या हमारे साथ स्कैम हुआ है? नहीं नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने आज मेहमान मुझे लिया, आप तो लोकल ही है ना सर, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट किए उन्होंने, और उन्होंने घर दिखाया ऊपर वाले पोर्शन में भी लेके गए, और उन्होंने कहा आप दोबारा आए खाने पे हमारे, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त। तो हमारे से ऐसा हुआ ना कि हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर आके शूट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसे शूट कर नहीं सकते, मोबाइल से सिर्फ फोटो ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये सब तो चीज हमसे उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने मुझे ये कहा था बाहर कुछ खड़े होते हैं लोग फेक है, वो यहाँ के नहीं है, वो ऐसे आपको कहते हैं पैसे दे दो और अंदर चले जाओ, तो वो लोकल नहीं है आप किसी, अंदर जो लोग हैं एक सूरज भाई थे अभी एक, तो वो उधर के ही हैं। वो कहते हैं यार कोई भी आपका दोस्त यार है आप मेरे पास भेज दें, मैं उसको सारा विजिट करवा दूंगा, उधर ही है अभी सूरज। हम भी जिनसे मिले उनका नाम भी सूरज ही है। ये मेरे हसीन इत्तेफाक लगता है, मेरे मुझे सूरज मिले वो कोई और थे। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे घूमिए, थैंक यू, सबको भाई सलाम मेरा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजा आ गया मुंबई आके, वाकई थोड़ा सा मौसम ने जरा डाउन कर दिया, मौसम तो अभी गलत टाइम पे आया हुआ। हाँ, गलत टाइम, कभी मौका मिला तो सर्दी में जरूर आएंगे भाई यहाँ पे, फिर सर आपसे मिलेंगे। थैंक यू भाई। चलिए जी, हमारा देख के हो गया, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और वो जो 100 करोड़ वाली बात है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या लगता है अपने साथ स्कैम हुआ है क्या? ऑफ कोर्स सुन रही। हाँ कैसे भाई? बढ़िया भाई, सब्सक्राइबर्स इधर का। हाँ ऐसा कुछ नहीं, पैसे नहीं लेते ना? जब कोई नहीं लेता ऐसा कुछ। हाँ अगर तुम फोटो वीटो खींच सकते हो, कोई कुछ नहीं ले सकता, हम धोबी गाड़ी में आप घूम सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा भाई? भूमित। भूमित, नाइस मीटिंग भाई। अरे क्या जबरदस्त पहना अंगूठी यार तुमने, देख भाई। अरे आपके उधर मेरे भाई बहुत मन हो रहा था, पर बोला अभी आएगी तब बहुत मजा आएगा, कुछ अलग मैं की थी वो जस्ट तरफ जो क्या भी देखता हूँ। हाँ। पहले आपका देख लेता हूँ। सही है भाई, विषय हार्ड है। अभी तुम भी ब्लॉग में हो? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है जी, आज का हमारा कार्यक्रम धोबी घाट का होता है यहाँ पर समाप्त। अभी हम जा रहे हैं कहीं पे खाना खाने के लिए। वेल डन गाइस,
वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, नई शुरुआत हो चुकी है। सूरज ने और अशोक ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो जो कंटेंट को अपग्रेड करने की मैं बात कर रहा था, तो समझ लो उसका शुरुआत हमने किया है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंटेंट बना के हम लोग अपग्रेड हो गए। नहीं, मैं ब्लॉग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो रील के बारे में बात कर रहा था। अभी इसका आउटकम देखना पड़ेगा, इसमें क्या गलती की थी, क्या गलती नहीं की, क्या हमने सही किया, ये सब चीज हमें देखनी पड़ेगी। अभी जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे हम काम नहीं कर रहे, काम करने में बदलाव लाया गया है, क्योंकि जैसे काम पहले कर रहे थे वैसे करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये लगता है मच्छी मार्केट है, पर मच्छी की बहुत बदबू आ रही है। ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। बहुत भूख लग गई, 3:40 हो गए, बाप रे बाप, पता ही नहीं चला टाइम का। चलेगा। ये है महालक्ष्मी सर्कल, यहाँ पर पहले आना जाना बहुत होता था, बहुत सारे कहानियाँ थी यहाँ पर पहले की। मज़ा तो आया आज काम करने में, बस ये लोग इरिटेट कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने पैसे तो लिया था, लेकिन पैसे के साथ साथ में ना बीच बीच में बार बार आके बोल रहे थे, भाई इतने टाइम आप पहले बोल देते, टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम नहीं रुक सकते, पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। हर बार हर बार, एक बार तो मैं थोड़ा भड़क भी गया था कि भाई कि इतनी बार क्या तुम टोक रहे हो भाई, हमको अपना काम करने तो आपको पैसे भी दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे ऐसे बीच में। अशोक भाई और सूरज भाई, अगर आप व्लॉग देख रहे हो, देखो कोई ऐसा, मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने गलत किया है, बाकी लोगों से हमने पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई पैसा लिया नहीं, हम फ्री में घूम के आ गए, वेदांत पे हम खाना खाएंगे। क्या नाम है तुम लोग का? मेरा नाम युगंधर, इसका नाम हेरम है, और इसका नाम है तेजस। तेजस, तुम लोग YouTube देखते हो? हाँ। मेरा चैनल देखोगे? हाँ, देखूंगे। अच्छी लगी? MSK, ये देख MSK। ओके, सब्सक्राइब। भैया आपकी साइन लोगे? कहाँ दूँ? अरे मेरे पास पेन ही नहीं है। अरे इधर है, पेन लाना, पेन लाना। अरे 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 अरे, बच्चे लोग भाग के आ रहे। अरे यूट्यूबर है। अरे बाप रे बाप। तो प्राइस कितना है? इसका प्राइस लगभग 4 लाख तक है। चलो ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ। ओके बाय। मुझे लगता है कि अगर वो लोग 500 रुपए लिए होते कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको इतना दे दो ना ताकि थोड़ा हमारा भी हो जाए, और वो अच्छे से अपने को सब दिखा रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शायद हम खुशी खुशी दे भी देते कि चलो ठीक है यहाँ के लोग हैं, उनको थोड़ा कमाई करने मिल जाए। लेकिन वो लोग बार बार आके टोकना कि भाई टाइम हो गया, भाई यहाँ नहीं, ये नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो उनका है, ये इनका है। फिर लोकेशन चेंज हुआ, हाँ, तो बोल रहे कि ये अंकल का है, हाँ, फिर पता चला अंकल उसके अब्बू है, हाँ। ये सब चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मतलब तुम अगर अपफ्रंट आगे मांगते हैं कि हाँ यहाँ पर मतलब तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको अच्छे से दिखाऊंगा, उसके लिए मेरे को इतना पैसे दे दो, तो कोई भी दे देगा। हम लोग तो पहले ही ढूंढ रहे थे कि हमें कोई गाइड मिल जाए ताकि अच्छे से दिखा सके, हम इतना तो दे ही सकते हैं यार, 500-1000 रुपए तो दे ही सकते हैं, लेकिन गलत चीज करके वो सोसाइटी के मेंबर्स हमें देख रहे हैं तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट, बताओ हम लोगों की ऐसा होता है कि नहीं। और भाई लोग गर्मी बहुत है, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारा स्टार्टर, आ गया है, मैंने भाई साहब को बोला है, हाँ, क्योंकि दाल और राइस रेडी है, तुम लोग का वो रेडी नहीं है, रोटी और पनीर। ये हम सबकी थाली इधर से भरती है ना। सेठ सबका भरेगा पेट, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, पेट नहीं वो सेठ नहीं, ये सही बात है। तो मेरा तो पेट निकल गया। ओ, जिसका पेट थोड़ा प्रॉब्लम है बाबा, बाबू एस्कोबार को देखा नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, बस दादा बस इतना ही खाता हूँ मैं। चैनल देगा भैया, ये लो, थैंक यू, वेलकम, ठीक है जाओ, वेलकम, सब सब्सक्राइब किया हो ना? हाँ, ओके, बाय बाय बाय। खाना खा रहा था, ये लोग बाहर वेट कर रहे थे और भाई साहब अंदर आने नहीं दे रहे, तो मैं ही बाहर आ गया। हो गया हमारा खा पी के, अभी हम जा रहे हैं अपने स्टूडियो, वहां जाके सारे फुटेजेस देखेंगे, कैसे कैसे हमने शॉट लिया, क्या क्या गलती की हमने, गलती नोट डाउन करना इम्पोर्टेंट है ताकि वो दूसरी बार रिपीट ना हो। ओके बाय बाय धोबी गार्ड, आ गए अपने एरिया में, ये है सिद्धि विनायक मंदिर, हमारा साइकिलिंग रूट। अब कितना सही लग रहा है, जिंदगी में पेड़ हर जगह पे होना चाहिए भाई, धूप में तड़प तड़प के यहाँ पहुंचे ना तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा लग रहा था। घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं नहाया हूँ, और नहाने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है, धूप ने पूरा एनर्जी चूस लिया था। एनर्जी के लिए अभी हम पीने जा रहे हैं कॉफी, ये मैंने निकाल लिया है आइस क्यूब, 1, 2, 3, ये हमारी कॉफी। आह,
कॉफ़ी पीने के बाद आ गई एनर्जी, और उस एनर्जी से जो हमने काम किया है इतना फोकस होके कि अभी बज गए 11:30, मीटिंग भी हुई, फिर उसके बाद में मैंने एडिटिंग वाला भी काम निपटा दिया, कल का ब्लॉग भी निपटा दिया, और थोड़े 2-4 काम थे वो भी निपटा दिया, और रियलाइज हुआ कि व्लॉग तो बनाया नहीं, व्लॉग का अंत तो हुआ ही नहीं। पहले लाइफ में दिक्कत ये हो रही थी कि हम किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे, और अब ऐसा हो रहा है कि किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं, खो जाते हैं, उसका इलाज निकालना पड़ेगा, और ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी डेडलाइन सेट करके। अगर डेडलाइन सेट नहीं किया गया ना, तो फिर मैं अपने फोकस की धारा में बहते बहते इतना बह जाऊंगा कि फिर बाकी सारे काम रह जाएंगे। तो ये भी एक चीज सीखनी है अभी अपने को। 7 दिन अपने मुंबई के बुक के पहले चैप्टर के पहले पन्ने की कहानी आपको कैसी लगी? बढ़िया एकदम। अगर अच्छी लगे तो जरूर अपने दिल की बात बताइएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं उसको, हमारे लिए मैटर भी करता है, जो हमारे वेल विशर्स हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कमेंट करके चले जाते हैं, वो हम अभी कमेंट देख के समझ में आ जाता है कि कौन कमेंट करके चले गया और कौन कमेंट में अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, वो अभी हम परखना सीख गए। तो आप अपनी भावना व्यक्त कीजिए। कभी कभी किसी के कमेंट नहीं पढ़ पाता, उसके लिए नाराज मत होइएगा, आप भी समझिएगा कि हम कंटेंट क्रिएटर हैं यार, हमें यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, आप लेकिन कंटेंट बनाना पड़ता है, तो जो भी है बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब कल जो होगा मुंबई में, गेस करो कि कल क्या हो सकता है जो मुंबई को रिप्रेजेंट करे। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ लिव ड्रीम, बूम। जब से टेक 2, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही कैमरा, अपना ही सब कुछ है, वापस टेक करेंगे।